कानूनों के विरोध में करनाल के इंद्री हलके में 14 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजेवाल सहित किसान यूनियन के अन्य पदाधिकारी महापंचायत में शामिल होंगे। आपको बता दें कि किसान महापंचायत को लेकर किसानों ने आज करनाल के जाट भवन में एक बैठक का आयोजन किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन चरम पर है। आंदोलन को और तेज करने के लिए किसान विभिन्न जगहों पर किसान महापंचायतें आयोजित कर रहे हैं, ताकि 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। बता दें कि करनाल के इंद्री में 14 फरवरी को किसान महापंचायत की जाएगी। इसको लेकर आज करनाल के जाट भवन में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान की अध्यक्षता में बैठक की गई। रतन मान ने कहा कि 14 फरवरी को इंद्री में अनाज मंडी में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित अन्य किसान नेता शामिल होंगे। रतन मान ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसानों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसान महापंचायत की जा रही है। इंद्री में 14 फरवरी को होने वाली महापंचायत ऐतिहासिक होगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से और जो पूरे देश में किसान महापंचायतों का आयोजन करने का जो सिलसिला जारी है, इसी सिलसिले को लेकर के 14 फरवरी को इंद्री की अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जो पिछले 80 दिन से लेकर के जो दिल्ली दरबार के दरवाजे पे जो किसान डेरा डालने करने के लिए, तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो राकेश टिकैत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और युद्धवीर जी राष्ट्रीय महासचिव और बलबीर सिंह जी राज्यवाल जो अपने ग्रुप के पंजाब से अध्यक्ष हैं और गुलाम चुड़ुली जी जो अपने भारतीय किसान चुड़ुली के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा और सभी मोर्चा से जुड़े सभी किसान नेता किसानों के साथ इंद्री में 14 फरवरी को पहुंच रहे हैं और किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए वहां पर निर्णय लिया जाएगा। किसानों को आह्वान किया जाएगा, छोटे किसान मजदूर को आह्वान किया जाएगा, जो ये कॉरपोरेट के हवाले जो इस खेती को करने का सरकार की जो मंशा है और जो किसान के अनाज को तिजोरियों में बंद करके फिर गरीब लोगों को, देश की जनता को महंगे में बेचने के लिए जो ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, उसके आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन को लेकर के ये वहाँ नई और आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इसी तरीके से प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन की ओर से बहुत बड़ी बड़ी पंचायत करने का हमारा कार्यक्रम है प्रदेश के कोने कोने में, और ये इंद्री की भी जो किसान महापंचायत हो रही है यह महा ऐतिहासिक होगी। तो क्या कारण? देखिए, ये तो हमारे पड़ोसी राज्य है, हम दूसरे पड़ोसी राज्य है। अगर आप साउथ की दक्षिण की बात करोगे, प्रधानमंत्री जी तक एक बार रेल चलवा दो, दिल्ली में अगर एक तिल डालने की जगह बच्चे की, तो मैं जिम्मेदार हूँ। आंदोलन वहाँ भी है, बॉम्बे में कितना तरह प्रोटेस्ट हुआ, केरला में हुआ, बिहार में बहुत बड़ी किसान पंचायत हुई, जम्मू कश्मीर में हुई। अब ये दिल्ली का जो इलाका है, जो दिल्ली के चारों तरफ है, ये हमारे नज़दीक है, और ताकि ये आंदोलन और ज़्यादा मुखर होए और सरकार बाध्य हो हमारी बात को मानने के लिए, 3 कानून रद्द करने के लिए, MSP का कानून बनाने के लिए सरकार बाध्य हो इसको मानने, तो इसलिए ये सिलसिला बढ़ाया जा रहा है किसान महापंचायत का, और आगे और भी बढ़ेगा। ये युद्धवीर जी इसमें अपना इंद्री में 14 तारीख को अपनी महापंचायत को संबोधित करेंगे, उसमें अपने प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी, चुनुनी जी, ये जितना भी हमारा संगठन है एक है सारा, ये किसी का इसमें हम बिना अपने भेदभाव से इसमें जोर बढ़ चढ़ कर इसमें जोर, कल भी हमने ग्राउंड में मीटिंग की थी, ये सारे उसमें बढ़ चढ़ कर जितने लोगों से अपील है हमारी सभी छत्तीस बिरादरी से भी बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी पंचायत में जोर लगाओ और सरकार पे कुछ दबाव बढ़ाएंगे। किसान पंचायत और कितने किसान शामिल होने की इसमें, ये तो पता नहीं, जन समूह में कितना भी हो सका, इसमें तो मान ले लाखों भी हो सका, कोई इतना ये नहीं पता भी कितना जन समूह हो सका। ये क्यों हमारी अब जिम्मेदार की लड़ाई नहीं है, आम जन के लिए लड़ रहे हम, हमारे लिए नहीं है, हम आम आदमी की भी लड़ाई है। इसमें ज़्यादा आम आदमी को इसमें नुकसान होगा, किसानों से ज़्यादा इसके बारे में आम आदमी ना पता नहीं है, समझा नहीं जा रहे उनको,
भी किसानों को इतना नुकसान नहीं, इतना दूसरे आदमियों को होगा। यशपाल राणा, जिला अध्यक्ष करनाल। इन लोगों को हम किसान महापंचायत के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि हर घर का किसान इस लड़ाई में अपना हिस्सा पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, मजबूरियां होती हैं, आदमी दिल्ली नहीं पहुंच सकता, तो वो जो हम क्षेत्र के हिसाब से नजदीक दीदी, जैसे पीछे हमने पेवा करी थी तो पेवा के अंदर लाखों की भीड़ हुई, उससे पहले कंडेला हुई लाखों की भीड़ हुई, उससे पहले अपना कितलाना जो टूल पे वहाँ पे लाखों की भीड़। तो ये सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान संगठित हैं और आप इन बिलों को रद्द करो, क्योंकि ये बिल पूरी एक उपभोक्ता को भी, आम आदमी को भी मारने वाला है और किसान को तो ये बर्बाद करने ही वाला है। तो इन बिलों को रद्द कराने के लिए हम ये महापंचायतें कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब किसान को, एक सरकार को जल्दी इन बिलों को रद्द करना चाहिए। इसमें माननीय अर्केस्ट कैश जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन टकैत के, और उसके बाद बलबीर सिंह राजोवाल जी और गुरनाम सिंह चुडनी जी, ये मुख्य नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे, इस पंचायत में शामिल होंगे। देखिए किसान की ये वजूद की लड़ाई है और हमें पता है कि अगर ये बिल पूरे तरह धरातल पे आ जाते हैं तो किसान का वजूद खत्म हो जाएगा। किसान को ये मजदूर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये जैसे अंग्रेजों ने, कभी आपने कभी इतिहास पढ़ा हो तो अंग्रेज भी ऐसे एक बार रैतवाड़ी व्यवस्था लेके आए थे, और वो भी ऐसी व्यवस्था थी किसान को बर्बाद करने के लिए, लेकिन वो तब उस टाइम शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने, उन्होंने एक आंदोलन लड़ा और उस बिलों को रद्द करवा के और किसानों की ज़मीनें बचाई थी। ये हमारी ज़मीनें चंद लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी कामयाब हम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम शहीद भगत सिंह के वारिस हैं, हम कोई बुजदलों के वारिस नहीं हैं। हमें सरकार माननी माननी पड़ेगी जी सरकार, क्योंकि एक जन के आगे, एक किसान पूरे देश के किसानों के आगे, जब हम ही नहीं चाहते बिल जो जबरदस्ती तो ये कर नहीं सकते, बिल हम धरातल पर लागू नहीं होने देंगे। और मुझे उम्मीद है कि सरकार ये बिल रद्द करके जल्दी किसानों को सुधार दे। मेरा नाम दलेर सिंह मल्ली है, मैं भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।